हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अन अकेडमी दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम प्रवीण मिश्रा और हम चल रहे हैं हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। इंटरेस्टिंग लेवल की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक अपने मतलब चरम सीमा पे है, right? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास पीछे एक इमेज है जो दे रहा है टर्म्स, एक इशारा कर रहा है, भाई तुम हो कौन, शकीला या शकुंतला। देखो, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिलते रहते हैं जहाँ पर लोगों ने रिलीजन कन्वर्ट किया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एक से गए दूसरे में पहुँचे, दूसरे में गए वहाँ मजा नहीं आया, वापस पहले में आ गए। ये हेर फेर जो है इंसानों की रिलीजन में चलती रहती है, लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है, ये हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हमारे गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है कि तुम में हिम्मत है अगर तो ये धांधली पकड़ के दिखाओ। तो ये जो एक मोहतरमा है उनकी एक्चुअल इमेज तो हमने यूज नहीं करी है, लेकिन इन्होंने ना लिटरली पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया कि यार तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हो ठीक है, लेकिन हमारी चालाकी को कैसे जो है बताओ, बचा जो है चालाकी को जो है इससे कैसे बचोगे, राइट? तो शकीला और शकुंतला ये दो कहानी और ये नाम असली है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हादसा हुआ जहां पर एक लेडी हु वॉज बॉर्न एज शकीला इन अ हिंदू फैमिली, लेटर ऑन शी मैरिड टू अ पर्सन, ओके, जिनकी डेथ हो गई, ओके, एंड देन लेटर ऑन शी मैरिड अनदर पर्सन हु वॉज नॉट फ्रॉम द हिंदू फैमिली बट फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली। तो शादी करी उन्होंने और उसके बाद से अपना जो है धर्मांतरण यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन इनका हुआ और इन्होंने अपना नाम चेंज करके शकीला जो है शकुंतला से, एज शी वॉज बॉर्न एज शकुंतला, सॉरी नॉट शकीला, ओके, सो शकुंतला से इनका नाम चेंज होकर क्या बन गया, शकीला। तो अब जब हम बात करेंगे शकुंतला की, तो शकुंतला जी जो हैं ये हमारे जब हिंदुइज्म की हम बात करेंगे तो हिंदू फैमिली के अंदर जो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, ओके, जो कास्ट वाइज अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं। तो हमारे जो दलित कैटेगरी है, ओके, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी है, शकुंतला जी जो है एक शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली में पैदा हुई थी, राइट, ओके, जो इनका एक कास्ट था, राइट, दैट वॉज द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक। तो इनके पास ऑब्वियसली एक शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी था। अब उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। सो शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है इनके पास, अब इसके बाद रिलीजन इन्होंने चेंज कर लिया, अब ये क्या बन जाती है, अब ये बन जाती है मुस्लिम। तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप एक मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आपका शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, ठीक, ये हमें हमेशा से ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी इनके, अब इनका रिलीजन भी चेंज हो चुका है, ये मुस्लिम भी बन चुकी हैं, इनके पासपोर्ट पे इनका नाम जो है शकुंतला से शकीला हो चुका है और ये एज अ मुस्लिम होने के नाते इन्होंने हज सब्सिडी भी ली है। तो 2011 या 12 के आसपास ये जो है इंडिया से सऊदी जाती हैं हज यानी कि उमरा के लिए, हज करने के लिए, जिसे बोलते हैं ना मक्का मदीना जो है हमारा, ठीक है, इस्लाम के अंदर एक बहुत ही फेमस एक जो है एक पिलग्रिमेज सेंटर है, राइट, मोस्ट जिसे हम बोलते हैं पायस एंड द प्योर डिवाइन सेंटर, ओके, ऑफ इस्लाम। तो ये वहां पर जाती हैं, हज भी करके आती हैं, राइट, और उसके बाद से इनके एरिया में होता है जिला परिषद का चुनाव। अब जिला परिषद का जब चुनाव हो रहा होता है तो उसमें जब सीट डिक्लेयर करी जाती है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 33% ऑफ द सीट्स दे आर रिजर्व फॉर द वुमेन एंड देयर आल्सो द सीट्स दे आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। तो इनका जो लोकेलिटी है वो किस में आता है, वो आता है रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। तो अब इनके पास तो भाई साहब इनका पुराना कुछ शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी है, तो ये क्या करती हैं, ये वहां पर उस सीट पर एज अ शेड्यूल्ड कास्ट ये इलेक्शन लड़ लेती हैं। तो अब जरा सोचिए ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम उन लोगों के साथ कितना जो है मतलब एक जो बोलते हैं ना कि इनजस्टिस कर रहे हैं जो एक्चुअल में जिनको नीड है। आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो, ठीक है बदलो, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर आप उससे दूसरों का नुकसान तो मत करिए। हम एज अ गवर्नमेंट, एज इंडिविजुअल, एज सिटीजन, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री से, हमारी सोसाइटी से ये जो डिस्क्रिमिनेशन नाम का जो बीमारी है इसे एलिमिनेट करें। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आते हैं इन जैसे लोग जो प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर गलत इस्तेमाल के साथ ही साथ ये उसका एक समाज को ना एक बहुत नेगेटिव मैसेज भी दे दे रहे हैं। देखो, हमने कर लिया, तुम भी कर लो,
सब करते हैं, सब करते रहेंगे, खत्म हो जाएगा समाज, राइट। तो अगर हम पूरी न्यूज की अगर हम बात करें, सो शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, शी अवेल्ड द हज सब्सिडी, ओके, येट गॉट द दलित सर्टिफिकेट पंचायत सीट, ओके, दलित रिजर्व पंचायत सीट, एंड फाइनली हर कास्ट सर्टिफिकेट इज नाउ कैंसल्ड आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल की लंबी लड़ाई, 10 साल के लंबे जद्दोजहद के बाद इनका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ। पूरी न्यूज़ के अगर आप देखिए, तो हम आर्टिकल की बात करेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 ऑफ आर्टिकल 341, व्हाट इट सेज दैट, ओके, अंडर आर्टिकल 341, नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट shall be deemed to be a member of scheduled caste. तो आपको scheduled caste certificate तभी मिलेगा जब आप इन तीन religion में से किसी एक का हिस्सा हैं। Either you are professing Hinduism, either Sikhism or Buddhism. अगर आप Muslim हैं, Christian हैं या कोई भी दूसरा religion अगर आपका है, right? तो आपको scheduled caste certificate नहीं मिल सकता। आपको शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप हिंदू होंगे, सिख होंगे या बुद्धिस्ट होंगे, और एल्स यू आर नॉट एंटाइटल्ड, इफ यू आर हैविंग एनी अदर, इफ यू आर प्रोफेसिंग एनी अदर रिलीजन, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी काइंड ऑफ अ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ध्यान रखना, ट्राइब नहीं। अब इनके पास क्या था, ये तो मुस्लिम बन चुकी हैं, यानी कि कन्वर्ट हो चुकी हैं, ये शकुंतला से शकीला हो चुकी हैं, फिर भी इन्होंने अपना जो है शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं किया, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जाटव हमारे पास एक कास्ट होती है, कास्ट यू नो विच कम्स अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, ओके, एक बहुत ही रिच कल्चर, एक बहुत ही रिच हेरिटेज से आती हुई ये कम्युनिटी है। ऐसा अगर हम देखकर चले हमारे हिस्ट्री के अंदर, सो दे हैव गिवन सम वेरी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस एज वेल, राइट। सो लेकिन कंट्रीब्यूशन तो चलो हमारा कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी फैमिली का एक है, लेकिन फिर उसके बाद से जब हमने वो कम्युनिटी छोड़ दी है, तो ऑब्वियसली ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, हमारा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू गिव अप दैट सर्टिफिकेट एज वेल, राइट। सो शी फर्स्टली यू नो शी वॉज मैरिड टू फर्स्ट पर्सन हियर, इट वॉज अवर सेकेंड मैरिज, ओके, एंड सेकेंड मैरिज में उनको रिलीजन भी कन्वर्ट किया उन्होंने, ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, बट ऑब्वियसली वी नीड टू एक्ट ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस, राइट, दैट विच रिलीजन आई एम बिलोंगिंग टू। सो 2015 शी फॉट द जिला पंचायत पोल, ओके, फ्रॉम वार्ड नंबर 8 ऑफ नजीबाबाद, okay, where in Bijnor, and supreme, it was the scheduled caste reserved seat, and she won it as well, aur pure 5 saal tak, irony at its best, pure 5 saal tak she was the zila parishad member there, right? You can understand kitna bada chhedchhad hai ye hamare system ke sath, bahut bada chhedchhad, right? So the caste certificate that she submitted with has her nomination made in 2011 and was signed by Khan Rashid Ali. तो आप देख पा रहे हैं अपने आप में नामों का बहुत डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो इसके लिए इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। पासपोर्ट की अगर हम बात करें, इनके घर की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उनका एक बेटा है जिसकी शादी भी हुई, तो वो भी इस्लामिक तौर तरीके से हुई। तो आप ये चीज क्लियर देख पा रहे हैं कि आपका रिलीजन पूरी तरीके से चेंज आपने कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आपने जो है एक गलती करी कि आपने एक दलित सीट जबरदस्ती आपने उस पर जो है कब्जा कर रखा है, right? When you are not a Dalit anymore, you cannot claim the seat reserved for the scheduled caste, right? This is absolutely unethical, right? So ye aap samajh pa rahe hain apne aap mein kitna matlab ek jaisa bolte hain na blunder hai, right everyone? So I hope this is clear. Article 341 bhi jo hai clear hoga, theek hai, Shakila aur Shakuntala ki kahani, theek hai, sari cheeze clear hongi. Aur everyone please remember, we have got with the Unacademy optional carnival from PSIR, public administration, geography, history, anthropology, sociology, mathematics, agriculture, everything it is given to you with the best educators of this nation with regard to these optionals. So June carnival chalu hai aapke liye, optional carnival chalu hai, aur aapko pata hai uske alawa kya hai hamare paas. So abhyarthi se adhikari tak ka सफर, सो प्री मेंस इंटरव्यू, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको इन सभी का सपोर्ट दे रहा है, और मिशन आईएएस बैच फॉर 2026 चालू है। मृणाल पटेल सर जो बेस्ट हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इनसे बेटर शायद ही कोई होगा इस धरती पर, सो वो है। सुदर्शन गुर्जर सर हैं सेम विथ रिगार्ड टू द कैलिबर फॉर ज्योग्राफी, सिद्धार्थ अरोड़ा सर फॉर पॉलिटी, प्रतीक नायक सर फॉर हिस्ट्री, आरती छावरी मैम फॉर हिस्ट्री एज वेल, एंड मधुकर कोटवे सर, अनदर वंडरफुल नेम इन द डायमेंशंस ऑफ द सीसैट, राइट। सो यू हैव गॉट द बेस्ट पर्सनालिटीज देयर वेटिंग फॉर यू। सो आरंभ बैच जो कि 12 जून से स्टार्ट हो चुका है, और ट्रायंफ बैच जो कि 8 जून से स्टार्ट हो चुका है, एवरी वन प्लीज गो अहेड एंड एनरोल योर सेल्फ फॉर द बैचेस, बिकॉज यू नो वॉट अन अकेडमी हैज टू गिफ्ट, ओके।
give to you, that is the ranks from All India Rank 1, 3, 6, 9. Everyone, they are available on the Unacademy Plus portal only, right? Because they have availed the opportunity and they have qualified at the best. So here, the names and the ranks, the names, they will change very soon. And make sure that next time it's you, your name, your rank, it's pasted here. Right, everyone? And you know it very well. It's possible only when you have the Unacademy Plus with you. So in order to win the greatest battle, you need the greatest weapon. And the Plus is that greatest weapon. Okay, everyone. So thank you so much for joining me in here. This is me, Praveen Mishra, once again, signing off for today's session. Video achha laga ho, baat achhi lagi ho. So please do not forget to like the session. Share it with your friends and family. Channel ko subscribe nahi kiya hai tak. So please go ahead and subscribe the channel as well. And please, yes, aapka jo feedback hai, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर. सो प्लीज़ कोई भी अगर फीडबैक है या कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम इस पर क्लास लें, सो प्लीज़ रिकमेंड इनटू दैट कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.